ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन? किसी चीज को परखना. परखना नहीं, निगरानी. निगरानी नहीं. उसका स्टाइल, उसके यू नो द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, एक्टिविटी, द वे ही सिट्स, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस, राइट. चलो लिखते हैं. नंबर वन, कम ऑन, बिहेवियर. नंबर टू, कम ऑन, क्या होगा? एक्टिविटीज, उसकी जो वो कर रहा है, एक्सप्रेशंस, और आउटलुक. आउटलुक का मतलब कैसा लग रहा है वो, राइट, जिसमें ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब आ जाता है. ओके, आउटलुक, ड्रेसिंग स्टाइल, टॉकिंग स्किल्स, द वे ही टॉक्स, या किसी तरह का भी तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसके खड़े होने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके हंसने का तरीका, उसके यू नो एनी काइंड ऑफ एनी एक्शन ही डस, एक्टिविटीज, सॉरी, एनी एक्शन ही डस, एनीथिंग ही डस, जेस्चर्स, जेस्चर्स, जेस्चर्स नहीं कहते, गेस्चर्स कहते हैं, गेस्चर्स, उसके गेस्चर्स, गेस्चर्स कहते हैं, ब्रिटिश में गेस्चर्स कहते हैं, एंड वी आर यूजिंग ब्रिटिश लैंग्वेज. ओके, एनीवेज, उसकी इंटेलिजेंस हमें नहीं पता ना, बिकॉज वी हैव नॉट सीन हिज इंटेलिजेंस. हमने कोई कोई ऐसी चीज नहीं करी कि या उसने ऐसी चीज नहीं करी जिससे हमें उसके इंटेलिजेंस लेवल का पता लगे. इंटेलिजेंस इज अ हिडन लेवल, वो थर्ड कोई ऐसी चीज है. बट जो चीजें दिखती हैं, विच कैन बी विजिबल, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विजिबल, जो चीजें दिखती हैं, जो भी चीज दिख सकती है, वो उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ओके, सो हाउ डिड आई से, अभी देखो क्या मैंने बोला. ओके, मैं हम सुबह गुड मॉर्निंग नहीं करते, हम कुछ और कहते हैं. मैंने क्या बोला? जय श्री कृष्णा, राधे राधे. इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स नॉट डिफरेंट. क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या पहना है? तुलसी की माला. और तुलसी की माला मेजरली वृंदावन या बांके बिहारी या उनकी डिवोटीज, यू अंडरस्टैंड, वो लोग ज्यादा पहनते हैं. तो मेरा गेस, मेरा बोलना 99% ठीक रहा. यस और नो? यस. अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे आ सकती है? टू थिंग्स, ईदर थ्रू एक्सपीरियंस और थ्रू एजुकेशन. लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आपके पास एजुकेशन हो, या तो मैं जानता हूं कि तुलसी की माला कौन लोग पहनते हैं, एजुकेटेड हूं मैं उसके बारे में, यू गेटिंग, या मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैंने इतने लोगों को देखा है और वो सारे ही बांके बिहारी लाल के फॉलोअर्स हैं, यू गेटिंग. इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं ना, बुजुर्गों, बुजुर्गों की बात करते हैं ना, कि बुजुर्गों के पास शायद इतनी एनर्जी नहीं है लेकिन उतना एक्सपीरियंस है, तो जो तो हमें उनसे सीखना चाहिए. करेक्ट, दिस इज व्हाई दे से. तो ऑब्जर्वेशन अगर आप, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन दो ही चीजों से मैक्सिमम आ सकती है, या तो यू आर एजुकेटेड और यू हैव एक्सपीरियंस, एंड इफ यू हैव बोथ फिर तो सोने पे सुहागा. यू गॉट मी? गॉट मी? सो ऑब्जर्वेशन क्या क्या चीज है? ऑब्जर्वेशन क्या है? वो चीज जो विजिबल हो, जैसे उसका बिहेवियर, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इज डूइंग, उसके एक्सप्रेशंस, उसके आउटलुक, उसके स्टाइल, उसकी टॉकिंग, उसके गेस्चर्स, जेस्चर्स, सब कुछ, सब कुछ, उसके जो एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज में बॉडी लैंग्वेज है. बॉडी लैंग्वेज. अब आप देखते हैं ना, कभी कभी कुछ जो बच्चे हैं स्कूल में क्लास में बैठे बैठे यो टांग लाते रहेंगे, हाँ, कोई यू करता है, कोई एक टांग लाएगा, कोई दोनों टांग लाएगा, कोई नाखून चबाएगा, कोई पेन डालेगा.
सबकी अपनी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है और सबकी कुछ ना कुछ दे आर वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो आप जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, पीपल लाइक अस, वी आर साइकोलॉजिस्ट राइट, तो हम उनके वी आर गुड फेस रीडर्स आल्सो। क्यों? क्योंकि हम उसके पूरे फेस की जो एक्सप्रेशंस है उसे हम ये जान लेते हैं या कोशिश करते हैं जानने की कि इसके अंदर चल क्या रहा है। इज ही नर्वस, इज ही गुड, इज ही हैप्पी, इज ही सैड राइट। क्यों? क्योंकि 85% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। 85% ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। आप देखो मजे की बात, सिचुएशन अलग अलग करते हैं, ठीक है। आप में से एक्टर्स कौन कौन अच्छे हैं? ओके, मान जो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। एक्टर्स का मतलब ये नहीं कि हम शाहरुख खान और सलमान खान बैठे हैं या कैटरीना कैफ बैठी हैं। कौन कौन, कमान, कौन कौन कर सकते हैं? अच्छा, आप एक और आप कर सकते हैं, चलो दो तीन चार, अरे सबने पार्टिसिपेट करना है, ओके पांच, ठीक है। और सिक्स आप हो गए, सिक्स, मॉर्निंग, जल्दी जल्दी सिक्स सिक्स, ठीक है। अब कमल एंड कमल, थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं बॉडी लैंग्वेज का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ठीक है। आप दोनों एक, यू आर अ कपल,